जनपद अल्मोड़ा में दुग्ध संघ से जुड़े दुग्ध उत्पादकों, कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों को दिवाली को देखते हुए बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि घाटे पर चल रहे अल्मोड़ा दुग्ध संघ को शासन ने 1,27,00,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड से दिए हैं, जिसको लेकर दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने बताया कि लंबे समय से ट्रांसपोर्टरों, पशुपालकों और कर्मचारियों को समय से भुगतान में 2 से 3 महीने की देरी हो रही थी। सरकार की ओर से रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद अब दीपावली से पहले सभी लोगों के बिल क्लियर किए जाएंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि संस्था की किसानों को और कर्मचारियों को, ट्रांसपोर्टरों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए हमको रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता है। तो आज माननीय मंत्री जी ने हमारी उस बात को स्वीकार करते हुए, स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार के ऊपर अपने ओर से भी 1 करोड़ की हमारी बोर्ड ने डिमांड करी थी कि 1 करोड़ रुपया, लेकिन हमको 1,27,00,000 रुपया माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर दिया, जिसके उस पैसे से मिलने से हमको अब प्रत्येक माह दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का भुगतान करेंगे और अपने कर्मचारी और ट्रांसपोर्टरों को भी ससमय जो है उनका भुगतान जो है हो सकेगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का तहे दिल से अपनी और अपनी बोर्ड और अल्मोड़ा बागेश्वर के समस्त दुग्ध उत्पादकों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ।